निर्दोष मस्ताना स्टूडियो के प्रबल सौजन्य से मैं एक छोटा सा प्रसंग पेश कर रहा हूं। भगवान राम और बजरंग बली हनुमान का युद्ध में वही मंजेश राघव शास्त्री परम पूज गुरुदेव विशेष शास्त्री का शिष्य हूं। तो एक समय की बात है कि भगवान राम ने सभा लगाई, उस सभा में सभी संतगण और देश के राजा को बुलवाया। तो सभी संत आ गए, देश के राजा आ गए, लेकिन नारद बाबा सबसे पीछे आए। भगवान राम बोले हैं, नारद आप कैसे लेट हो गए?
नारद बाबा बोले हैं कि प्रभु आप तो जानते हो कि नारद का क्या काम है, अगर दिन में एक बार किसी में झगड़ा न करा दें तब तक नारद को चैन नहीं आता। भगवान राम बोले हैं नारद हमें ये लगता है कि आप पागलों के घर में युद्ध करा देते। नारद बाबा बोले कि भगवान अगर आंकड़ा बैठ जाए तो अच्छे अच्छे चतुरन के घर में झगड़ा करा देते हैं। भगवान राम बोले कि कभी हमारे घर में कराओ। नारद बाबा बोले कि तुम्हारे घर में ऐसी है जाएगी कि और के घर में समेट तो जाते तुम समेट नहीं पाओगे। नारद बाबा बोले भगवान राम देख लो आज के 6 महीने में तुम्हारे घर किसी दिन झगड़ा हो सकता है। वो इतनी बात कह के नारद बाबा वहां से चले आए। तो रास्ता में नारद बाबा ने देखा कि राजा सालव आ रहा है, वो भी जा रहा है सभा में। तो राजा सालव को रोका और रोक के एक बात कही, भैया सुनी अरे बतलाई दई बात नारद ने और बतलाई दई बात नारद ने। नारद बाबा सालक को रोक करके बोले हैं बतलाई दई बात नारद ने बतलाई दई बात नारद ने। तुम तो राम बन सके राजा लेकिन ब्राह्मण के पैरन में क्यों पड़ रहे हो। इतनी बात सुनी राजा सालव वहां से चला, भगवान राम की सभा में पहुंचा। भगवान राम के चरण स्पर्श किए हैं लेकिन बगल में बैठे थे गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ को नहीं प्रणाम किया नहीं चरण स्पर्श किया। उसी भक्त राजा सालव आसन पर बैठ गए। नारद बाबा पहुंच गए वशिष्ठ के कान में जाके बात कही कि जाई सभा में बैठे हो जाई सभा में तुम्हारा अपमान हो रहा है। वशिष्ठ बोले अपमान हाँ कि राजा सालव आए राम को प्रणाम किया तुम्हें प्रणाम नहीं किया
और जो इतनी बात वशिष्ठ ने सुनी सोई खड़े हो गए। खड़े होकर के एक बात कही है भगवान राम, सुना। की बोले वशिष्ठ और बात सुनो, और जा राज्य में नहीं रे राजा का देहांत कर दूंगा। ओ भैया, इतनी बात राजा साल्व ने सुनी सुई सवाद से उठ के भागे और रास्ता में नारद बाबा फिर मिल गए। नारद बाबा बोले, साल्व भाग कैसे रहे हो? साल्व बोले, नारद तुमने अच्छे बड़े चक्कर में फांस दे। बोले नारद के लला, हम मरवा भी सकते हैं तो बचवा भी सकते हैं। बोले कैसे? सुनो तो नारद बाबा बोले, के
के चलो जा अंजनी सीमा ते और बच जाएंगे प्राण तेरे मैया अंजनी की कुटिया में पहुंच जा और तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। ओ चलो जा अंजनी सीमा तते बच जाएंगे प्राण तेरे दाम में। ओ चलो जा कुटिया में जाकर के पैरों में गिर गया और अंजनी मैया से हाथ जोड़ करके बोला है मां। क्या बोला है? पार करो मेरी नैया।
काले वंजनी मैया के पैर में गिर गया। बोला माँ मेरे प्राण बचा। बाबी वा अंजनी मैया बोली है बेटा मैं समझ गई, मेरे पीछे बैठ जा और तेरी सौगंध खा करके कहती हूं कि तेरे प्राण बच गए। सामने मैं खड़ी हूं, अगर मुझे कोई मार देगा तो अब तेरे प्राण जा सकते हैं, लेकिन बेटा बता दे तुझे मार कौन रहा है। राजा साले बोला मैया मुझे भगवान राम मार रहे हैं। इतने शब्द सुने सुई अंजनी मैया ने अपने पुत्र हनुमान को बुलाया और बुलाकर के को बात कही है। अरे सुनो लला बलबीर, आज तुम कुटिया में
मैया की आवाज हनुमान ने सुनी, दौड़ लगाते हुए कुटिया में आए, आकर के बोले, मां कौन सी विपत्ति की घड़ी आ गई जो तुमने हमें बुलाया। मैया जनी बोली, बेटा तेरे राम हमें मारने के लिए आ रहे हैं। तब तक भगवान राम अपने धनुष बाण को लेकर के कुटिया में आ गए। हनुमान अंजनी मैया के सामने खड़े हो गए, बोले, मां जब तक ये तेरा हनुमान जिन्ना है तब तक तेरा कोई बार बांका नहीं कर सकता। इधर नारद बाबा लक्ष्मण के पास में पहुंचे और लक्ष्मण से एक बात कही कि लक्ष्मण, मुसीबत में तुम्हारा साथ दिया वो ही हनुमान है और उन्हीं हनुमान को मारने के लिए तुम्हारे भैया राम कुटिया में खड़े हैं। और इतने शब्द लक्ष्मण ने सुने, दौड़ लगाते हुए कुटिया के पास में आ गए। कुटिया के पास में आकर के भगवान राम से एक बात कही है, क्या? मुसीबत में हम साथ नहीं छोड़ेंगे, पहले हमें मारो तब बजरंग बली को मार सकते हैं। तब तक नारद बाबा पहुंचे सीता के पास में
इतनी बात सीता को बताई, सीता मैया दौड़ लगाती वही कुटिया में पहुंची, लक्ष्मण के सामने खड़ी हो गई और लक्ष्मण के सामने खड़ी होकर के एक बात कही, प्रभु मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, कौन सी? तेरी एक ऐसी माया, तेरी एक ऐसी माया समझ में आए, तीन लोगों के दाता मारन को ही आए, वशिष्ठ के पास में हाथ जोड़ करके बोले, महाराज अपने शिष्य को डांटो, शांत करो, नहीं तो घर घर के सब मर जाएंगे। वशिष्ठ ने भगवान राम को शांत किया।